हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम जो सीईटी का जो 5 तारीख का इवनिंग का जो पेपर है, हम उसके आंसर की देखेंगे। हम उसको एक्सप्लेन नहीं करके उसको जल्दी जल्दी से उसके जो आंसर्स हैं, जो राइट आंसर हैं, मैं आपको बताता चलूँगा। और जिस भी एस्पिरेंट का 5 तारीख का इवनिंग का पेपर है, वो अपनी जो आंसर की है उसको एनालाइज कर सकता है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि अपना मैथ के पोर्शन है। पहला जो क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 और 80,000 निवेश किए। 6 माह बाद ए चला गया। यदि 8 माह के बाद कुल लाभ 40,050 हो तो लाभ में बी का भाग कितना है? तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा, 8,900 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह पर 4 लीटर पानी डाल दिया गया। तो इससे ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो 29.16 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 30% अधिक कुशल हैं, दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा करता है? तो इसका जो आंसर है वो 13 डेज यानी कि 13 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के बाद के अंतराल में बजती हैं। तो इस जो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है 15 नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 16 बार। अगला जो क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं एक्स और वाई, जिसमें एक्स बड़ा है वाई से, का एलसीएम 161 है, तो इसका मान बताना था 3y - x का मान जो बताना था, इसका आंसर -2 आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि m = -4 एंड n = -2, ये वाली जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा -126। अगला क्वेश्चन है, ये 1/3.718 = 0.2689 और इसके अंदर 1/0.0003718 का मान बताना था, तो इसका जो आंसर है वो 2689 आएगा, 2689। अगला जो क्वेश्चन है, धनराशि जो 3 वर्ष में 6 से 1/4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो 4096 में आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट से है और इसका आंसर आएगा 1,70,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से दोगुनी है, कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पहले हम इन दोनों की लंबाई निकालेंगे और बाद में उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी दूरी को तय करते समय ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय, तो इसका आंसर है 2 घंटे। अगला क्वेश्चन, एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, इस मिश्रण में कितना पानी लीटर में बताना है डाल दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? तो इसका जो आंसर है वो 4 लीटर आएगा, 4 लीटर। एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में और 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में हो जाते हैं, कमरे के फर्श की विमाएं बताएं? तो इसका जो आंसर है वो 12 मीटर और 8 मीटर हो जाएगा आंसर, थर्ड इज़ द राइट आंसर। और जो 14th जो क्वेश्चन है, ये सडन इंडिसेस से है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, 0.4142 इज़ द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन है, ए बी सी की औसत एम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की इंडिविजुअल का औसत बताना है, तो इसका जो आंसर है ये 9m² की बजाय 3m² होगा, ये राइट आंसर है। 16th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ब्लर है, आप आराम से देख लीजिए इसको, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यौगिक वाला, और इसका जो आंसर है वो ए सी हो जाएगा, यानी कि 4th इज़ द राइट आंसर, ए एंड सी। अगला भी केमिस्ट्री से ही है, कोलाइड वाला, कोलाइडल सॉल्यूशन वाला, तो इसका आंसर है ये भी ए एंड सी ही होगा, ए एंड सी, यानी कि 4th इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगला बात करें तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को
सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है तो ये है फ्यूनरल, जो मराठी जो जो पिक्चर है ये वाली। फोर्थ इज द राइट आंसर फ्यूनरल। 19th है जनाकीय संक्रमण, एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने 1945 में विकसित किया, आर्थिक विकास तथा खालिस्तान के संबंधों की व्याख्या करती है। तो इसमें ये जन्म और मृत्यु दर जो है इससे रिलेटेड है, यानी कि फोर्थ इसका आंसर आएगा, क्योंकि डेमोग्राफिक जो डेमोग्राफी होती है वो जनगणना से रिलेटेड होती है। अगला जो क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, सामान्यतया निम्नलिखित में से किस भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता है? तो इसका भी जो राइट आंसर है वो शुल्क अवरोध यानी कि टैरिफ बैरियर्स आएगा। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांश संकेंद्रित हैं? तो इसका लो इस्पात उद्योग आएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की काश्य प्रतिमा का संबंध किससे है? ये आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, शिव इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन है, बिल्ट इन एक्सेप्शन इम्पोर्ट एरर रेज्ड, तो इसका जो जो राइट आंसर है वो थर्ड है, मॉड्यूल वाला इज द राइट आंसर। इट इज़ रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड, ये इसका आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला जो जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का DBMS नहीं है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट द पार्ट ऑफ अ DBMS। और अगला जो क्वेश्चन है, वट इज द नेम ऑफ द नेटवर्किंग टोपोलॉजी वेयर ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड, यानी कि सेंट्रल नोड से एक कौन सी टोपोलॉजी है जिससे कि एक कंप्यूटर से ही जुड़ी होती हैं, यानी कि जो एक सेंटर में जो कंप्यूटर होता है उससे जुड़ी होती हैं, तो इसका जो आंसर है वो स्टार टोपोलॉजी आएगा, ना कि रिंग टोपोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है, यानी कि मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, CD रोम है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें रीड ओनली मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अगला जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल वाला है, इसमें बताना था कि 93-95 जो लास्ट वाला जो अपना अपना जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है थर्ड, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। अगला क्वेश्चन है, नीति के साथ साक्षरता, ये किसने कहा था? नीति के साथ साक्षरता, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि B.R. अंबेडकर ने कहा होगा, बट इसका जो राइट आंसर है ये जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कठोर स्तूपों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को कहते हैं, तो हिंदी में इसको पुरालेख शास्त्र बोलते हैं, एपिग्राफी जिसे इंग्लिश में एपिग्राफी बोला जाता है इज द राइट आंसर, फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता जंक्शन का संबंध है, मतदाता जागरूकता से रिलेटेड है ये, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला इज द राइट आंसर। अगला जो हिंदी का पोर्शन आपका शुरू हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो शिवानी, शिव प्लस आनी। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यांश चुनिए, तो इसमें फर्स्ट इज द राइट आंसर, उसने बताया कि की के बाद में ये अल्पविराम नहीं आता है। अगला एक दोहा है, उसके अंदर हमें अलंकार बताना था, तो इसका जो अलंकार है ये संदेहवाचक अलंकार आएगा इसके अंदर। इसमें उपसर्ग बताना था, दिए गए शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सदाचार इज द राइट आंसर। 35th की तरफ बढ़ते हैं, आग के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है अनिल इज द राइट आंसर। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अनिल या अनल के अंदर मेरे को कंफ्यूजन लगता है, इसका पर्यायवाची आप एक बार देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है 36, उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है, यानी कि उद्याचल, यानी कि इसका जो आंसर है वो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है इज द राइट आंसर। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, ये कौन सा कारक आएगा इसके अंदर? अधिग्रहण तत्पुरुष इज द राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें सेकंड इज द राइट आंसर, दैहिक नहीं होता, दैहिक होता है,
यानी कि दो द के ऊपर दो मात्राएं आएंगी तो दैहिक होगा, और बाकी के सारे जितनी भी जो वर्तनियाँ हैं वो बिल्कुल सही हैं। 39th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का परिणार्थक रूप दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी यानी कि बिठाना आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लोकोक्ति का भावार्थ जो जो सही नहीं बैठता है वो उसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है बहती गंगा में हाथ धोना, ये इसका ये आंसर नहीं आएगा कि असंभव कार्य को संभव करना, तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। बाकी की सारी जितनी भी लोकोक्तियाँ हैं वो अपने अर्थ के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? तो विधेयवाचक नहीं पाया जाता, ए इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, तद्भव शब्द जो नहीं है यानी कि तत्सम शब्द छाटना था, तो भगत इज द राइट आंसर। बाकी के सारे जितने भी हैं ये सारे तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं आपका खालिस्तान हूँ, तो इसका मतलब कृतघ्न का अपोजिट बताना था, उल्टा बताना था, कृतज्ञ जो एहसान मानता हो, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग प्रयोग हुआ है? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आएगा फोर्थ इसका आंसर आना चाहिए, बट मैं इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, तो मैं अभी इसका आंसर आपको नहीं बता पाऊँगा। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, इस हिसाब से देखें तो के और से दोनों में दो कारक आए हैं, बट एक हिसाब से देखें तो बाढ़ के जल कुछ होता नहीं है, बाढ़ में तो जल ही होता है, अंडरस्टैंडिंग सी बात है। तो इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता है, आप इसको रीचेक कर लेना एक बार। तो अगला क्वेश्चन है 45th जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा एक समवर्ती संधि, कोई संधि नहीं होती है। अच्छा, अभी इंग्लिश का पोर्शन आ गया है, रीअरेंज करना है, PQRS बताना है, तो इसके अंदर इस वाले जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ इज द राइट आंसर, RPSQ इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, चूज करना था एक्टिव वॉइस में बताना था, एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में बताना था इसका। तो इसका जो राइट आंसर है, वी आर रीडिंग इट इज द राइट आंसर ऑफ द पैसिव ऑफ इट इज बीइंग रीड बाय अस एंड इट्स एक्टिव वॉइस इज वी आर रीडिंग इट। अगला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने एरर बताना था, द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा, तो नो एरर इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, ये अपना एक कंप्रीहेंशन है यहाँ पे, तो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका जो 49th का आप एक बार पैसेज पढ़ लेना और देख लेना एक बार, तो इस मैं आंसर बता देता हूँ 49th का, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच एंटोनियम इज लीगल, यानी कि उसका उल्टा ही बताना है, तो लीगल का हो जाएगा इलीगल। अगला जो क्वेश्चन है, द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर्स आर ऑल्सो यूज, इसका जो आंसर है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि जो पैसेज के हिसाब से देखें तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज पोचिंग ऑफ फॉर ट्रेड, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। 52 जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर हमने ग्रामेटिकल जो करेक्शन है वो बताना था, तो इसमें कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन के बजाय आएगा अपना कॉमनली एक्सेप्टेड देन, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन बतानी थी, तो प्रोबिटेड के साथ में ना टू आता है, ना फोर आता है, ना विद आता है, तो इसके साथ में प्रोबिटेड के साथ में क्या आएगा, फ्रॉम, फ्रॉम इज द राइट आंसर। विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन में ही सेड टू एंड थ्री इज सेड, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये पजल करने के लिए है, इस ये एक सार्वभौमिक यानी कि सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, टू एंड थ्री इज फाइव, और टू एंड थ्री इज फाइव यानी कि आप यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है वो एग्जैक्टली यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट ही पुट होता है, तो इसका जो आंसर है ये फोर्थ हो जाएगा, ही सेड दैट टू एंड थ्री इज फाइव, ये बिल्कुल एज इट इज रह जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 56th क्वेश्चन, इसमें ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो नैरो हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी इज द राइट आंसर।
अगला जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग द गिवन वर्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जो जो मीनिंग है, सिमिलर जो मीनिंग है वो रहेगा थर्ड। अगला जो क्वेश्चन है अन इंस्पायरिंग रहेगा। और अगला जो क्वेश्चन है 59th, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट रहेगा, THESAURUS इज द राइट आंसर। 60th क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इसके अंदर जो जो आंसर है प्रिटेंशियसनेस, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर, PRETENTIOUSNEWS इज द राइट आंसर। 61th जो क्वेश्चन है, ये हरियाणा के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड, 1979 के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, सरस्वती शुगर मिल, ये आंसर हो जाएगा आपका यमुनानगर। अगला है, हरियाणा का राज्य पशु यानी कि काला हिरण। अगला है, किस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार कहा जाता है? तो बहादुरगढ़ का किला इज द राइट आंसर। अगला है, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो ये कर्क रेखा इनकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में है 300 मील। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन, मतलब सेंटर में तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और इसके अंदर जो जो मतलब हरियाणा के अंदर किसने किया था? तो ये पंडित निकिराम शर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हरियाणा किसे हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है? तो शेख चिल्ली का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो लूर नृत्य जो है ये जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूर नृत्य। अगला जो क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाटी कला, जाती कला लिख रखा है इसके अंदर, जाटी कला आएगा। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 12वीं सदी में हुआ। हाँ ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो गुड़गांव इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तार रूप है भावांतर भरपाई योजना, जिसके अंदर सब्जियों का जो MRP है वो डिसाइड किया गया था। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो हरियाणा के किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है 2013 के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 में कितनी रहेगी? तो ये है 1805.45 यूनिट इज द राइट आंसर। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए? तो इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से इसमें डाउट है, तो 6.2 होना चाहिए, आप एक बार रिचेक कर लें तो अच्छा है इसका। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, रोहतक का सोरी जो बाजार है वो किस मतलब किसके लिए फेमस है? कहने का मतलब ये है, तो ये है कपड़े के लिए फेमस है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्तीबाज कौन है? तो ये लीलाराम सांगवान, जो कि चरखी दादरी जिले से बिलोंग करते हैं, इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो रघुवेंद्र तंवर इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? ये मुर्रा भैंस इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश किस रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? मतलब इसका जो ये डाउट है इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट है मेरे को, तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 15 अक्टूबर 1994। अगला क्वेश्चन है, एम के गांधी से भी आप पजल हो सकते हैं, ये मोहनदास करमचंद गांधी हैं। तो एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि 1 इज द राइट आंसर, यानी कि 10th of April 1919 के अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई थी पलवल में। तो हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो कन्नौड़ इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो सिरसा में नहीं पाई जाती, ये यमुनानगर पंचकुला अम्बाड़ा के अंदर पाई जाती हैं, तो सिरसा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए हैं सलॉक्स वाले। तो कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सभी अंगूर केले हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए और
फर्स्ट एंड सेकंड निकलते हैं, इसके अंदर जो थर्ड वाली जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, ये गलत है। अगला जो जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें जो अल्फ़ा का की जो वैल्यू बतानी थी, इफ़ एक्स अल्फ़ा एल इज इक्वल टू टू, यानी कि एक्स यानी कि कौन से नंबर पे आता है, तो 24th पे आता है, और एल जो है 12th पे आता है, तो इसका जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 4th इज़ द राइट आंसर। ये PQRS वाला जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चाचा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। 89th, इसके अंदर इफ़ मतलब एक्स वाई जेड को अगर 1 2 3 4 बोला जाता है, और ई एफ़ जी एच को 7 8 9 10 बोला जाता है, तो किसी भाषा में ए एक्स जी ई यानी कि उसको क्या बोला जाएगा। तो हमें बस करना था कि ए की वैल्यू इन दोनों में से छांट के निकालनी थी, एक्स की भी इनमें से निकालनी थी छांट के, तो इसका जो राइट आंसर है वो 4197 इज़ द राइट आंसर। 90th क्वेश्चन है, अगर 3 सहेलियाँ अमिता बबीता और चंचल ने एक रेस्टोरेंट में गई, और कुछ इस तरीके से है, और बिलिंग वगैरह मतलब का जो क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर है वो 100 आएगा। नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का रूप करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द, यानी कि वेरीफाइड से क्या नहीं बनाया जा सकता, तो फ्रेंड इसके अंदर एन नहीं है, तो फ्रेंड इज़ द राइट आंसर। और 92 जो आंसर है का जो आंसर है वो भी 4th इज़ द राइट आंसर, CWFKV इज़ द राइट आंसर। 93 का जो क्वेश्चन है वो अरेंज करना था इनको, अल्फ़ाबेट्स को इनकी जो, और बताना था कि कौन सा आंसर सही रहेगा, तो 4th इज़ द राइट आंसर। इससे मोबाइल बनेगा, 6 4 3 1 2 5 इज़ द सीक्वेंस, जिससे कि मोबाइल बनता है, जो एक मतलब सार्थक शब्द को बताता है। वो ये पूछ रखा था कि कौन सा सार्थक शब्द बनेगा और किस कैसे अरेंज करें कि वो सार्थक शब्द बन जाए, तो 4th इज़ द राइट आंसर। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बंगाल की खाड़ी है, बाकी के सारे सागर महासागर हैं, तो बंगाल की खाड़ी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, जिस तरीके से गायक दल से संबंधित है, उसी तरीके से जो अपना थर्ड ऑप्शन है वो पुष्प गुलदस्ता, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे पुष्पों से मिलके जो गुलदस्ता बनता है उसको बोला जाता है, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर ऑफ 95th क्वेश्चन। 96th क्वेश्चन है, इफ़ 11 इज इक्वल टू 120 देन 25 इज इक्वल टू, मतलब रेशो वाला जो ये जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर हम 11 का जो स्क्वायर करके -1 करते हैं तो 120 आता है, तो उसी तरीके से 25 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 624 आएगा, यानी कि 624 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 97th क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसका जो राइट आंसर है वो ए एंड सी, सॉरी ये ए एंड ई इज़ द राइट आंसर, यानी कि 4th राइट आंसर हो जाएगा। 98th क्वेश्चन है, ये मतलब आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र है ने ले लिया, आप क्या करेंगे, ये एक साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है परिश्रम करना जारी रखेंगे, पॉजिटिव मतलब बिहेवियर बताना है हमें, परिश्रम रखना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है, तो नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है, तो ये एक इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो श्रृंखला बतानी है, तो इसके अंदर 1/27 इज़ द राइट आंसर। और लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सीक्वेंस बताना है, 55 के बाद 56 का, यानी कि 1 का डिफरेंस आया, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 4, यानी कि लास्ट में 5 का डिफरेंस आएगा, 65 के बाद में आएगा 70, यानी कि 70 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी, और जितने भी मैंने आंसर बताए हैं वो 101% बिल्कुल सही आंसर हैं, और आप अपनी जो शिफ्ट का एनालाइज कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल था पेपर का, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था, बिल्कुल ठीक पेपर था। और अगली जो शिफ्ट हैं उनका भी मैं आंसर की आपको 10-15-20 मिनट की एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 घंटे तक बिठाए रखूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पेपर मेरे पास आएगा मैं उसका सॉल्यूशन बाहर ही करके मैं सिर्फ आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, आधे घंटे के अंदर अंदर आप अपना जो पेपर है उसको एनालाइज कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।